अभी दोनों फ़ोन अच्छे खासे भर चुके हैं और दोनों में स्पेस नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से सिर्फ शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड नहीं कर रहा। तो अभी निकलने का समय हो चुका है और हम सब यहाँ से निकलेंगे कुछ टाइम के बाद। और ये वही कुआ है जो मैं अभी दिखा रहा था, वो ये नाला पता नहीं किस लिए दिया हो, अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके बता देना कि कुंड में इतना बड़ा नाला किस चीज़ के लिए दिया जाता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, लीनी 50 फुट गहरा है और 28 फुट चौड़ा है, इतना बड़ा कुंड है जी। ये जो कुंड है ये इन्हीं अंकल का। कभी इस जगह रकेश की मैंने फोटो खींची थी इस बैकग्राउंड के अंदर, और क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा, ये ट्रक अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अभी हम निकल चुके हैं, लगभग अभी शाम के 4:30-5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो सभी आगे आ रहे हैं, आपको पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, और बाकी हमारे ट्रक में सामान वगैरह पैक हो रहा है, तो उसके बाद ही ये ट्रैक्टर आगे आएगा। चोरू यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गया, सिर्फ 30 किलोमीटर। अभी हमें काफ़ी दूर जाना है और अभी से अंधेरा हो चुका है पहले, आज वहाँ पहुँचते पहुँचते नाइट हो ही जाएगी। तो ये लोग हमसे काफ़ी आगे थे और फिर भी मैंने इंटर कर लिए, तो चलिए इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। नहीं, आप इतना पहले चले, फिर भी हमने इतना लेट चले, आपको कवर कर लिया, बुरा फील तो नहीं हो रहा? इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, और रैया ने सर कैसे नीचे बैठ गए? हमारे जो श्री राम जी थक गए हैं क्या? उनको थक गए हैं? नहीं, घर से फोन। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। तो इनका इंटरव्यू लेने के चक्कर में मैं ज़्यादा पीछे हो गया, राकेश और देखो कितना आगे निकल गए, तो मुझे भाग के इनको कवर करना पड़ेगा। ये होती है खेतों वाली कुंड, मेरे पीछे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा, मैं इतने आगे आ चुका हूँ और आगे सिर्फ ध्वजा जा रही है। ये लोग बस, माहौल कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत। और ये बादल तो कब से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है यार, एक कमाल की चीज़ दिखाऊं, ये शाम का चांद कभी कभी देखने को मिलता है। अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और अभी चांद उग गया, जबकि ठीक से अभी तो सूरज भी नहीं ढला। ये देखो यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्थान का व्यू है ना यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब आप खुद देख के बताना और कमेंट करके बताओ कि क्या ये व्यू अच्छा है नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि राकेश और वो आगे ही रहने दूँ, मतलब मैं इस साइड जा रहा हूँ, और मैंने इतना गैप जानबूझ के बनाया हुआ अब, ताकि मैं आराम से व्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि हमारे साथ एक अंकल जा रहे हैं जो जोर जोर से भजन लगा रहे हैं हमें, तो फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है यूट्यूब पर, इसलिए इतना गैप काफ़ी रहेगा। झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि पैर के जो एड़ी ऊपर का मसल होता है ना, वो काफ़ी देर चलने के बाद दर्द करने लग जाता है। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो इस बादल में आपको शिवलिंग दिखाई देगा। ये देखो, गौर से देखो, इस बादल से शिवलिंग बना हुआ है।
खाली सड़क, शहर, गांव सब पार करते हुए आ रहे हैं। टायरों में दर्द है, तकलीफ भी है, लेकिन एक बार भी दिल में ये ख्याल नहीं है कि पीछे मुड़ के चला, पता नहीं क्या जादू है। हालांकि नॉर्मल इतना चलने का दिल भी नहीं करता। आज 250 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो प्यार है मेरा और बाबा का। अभी कुछ टाइम के लिए खड़ा हो जाता हूँ कि पैरों एक मसल है ये वाला, काफी टाइट हो गए। अब मैं यहाँ तो लंगड़ा के चलूँ, यही जहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ ताकि रिकवर हो जाऊँ फिर से। थकने के बाद अगर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ ना तो पैर में मतलब आराम आ जाता है फिर भी थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया हूँ मैं राकेश से। एक बार फिर देखो ये शिवलिंग है। चलना काफी मुश्किल हो गया। अभी मनी भाई को लोकेशन भेजी है, वो देख रहे थे कितना दूर बाकी। अभी यहाँ सनसेट हुआ है और कितना प्यारा व्यू है ना। ये आ गया, अच्छा वहीं पे है ना रुकने की जगह, तो वहीं पे है। बात बताइए उस जगह ने। कोई बात नहीं। अभी काफी चल लिया, लेकिन वो जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना था। मतलब पेट्रोल पंप पे आज हमारा स्टे है, आज हम पेट्रोल पंप पे रेस्ट करेंगे, लेकिन वो आ नहीं रहा है। मतलब वो चल कोई का पेट्रोल पंप है, चल कोई आ चुका है, चल कोई हमने क्लियर भी कर लिया, मतलब पूरा पार हो गए हैं चल कोई से, लेकिन वो पेट्रोल पंप नहीं आ रहा अभी तक। अभी पता नहीं और कितना चलना होगा, मतलब मेरी तो बस हो चुकी है अभी तक, अभी हिम्मत नहीं है चलने की। अभी भैरूसर से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यह सबूत है कि मैंने चलकोई क्लियर कर लिया। अभी मतलब चलकोई से पार हो चुका हूँ, अभी अगर 5 किलोमीटर हो चला तो भैरूसर पहुँच जाऊँगा, लेकिन पेट्रोल पंप वो अभी भी नहीं आया। एक भाई ने बताया पेट्रोल पंप यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, तो फिर तो मतलब पास आ चुके हैं अभी। अगर पानी है तो बस तो यही होना चाहिए। आगे रस्ते में भाई ने तो पूरा मजाक कर दिया, 500 मीटर नहीं है 1.5 किलोमीटर के लगभग अभी पेट्रोल पंप, और चांद साफ दिखाई दे रहा है, इतना अंधेरा हो गया। यहाँ थोड़ी बहुत फिर भी रोशनी है इस साइड नहीं, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पहुंच ही गए हैं। अंकल प्लीज तो यहाँ चार्जिंग सिस्टम भी अच्छा लगा हुआ है। अभी मैंने मेरा बिस्तर बंद लगा दिया तो अभी बस सोने वाले कुछ टाइम में। अभी हम कुछ देर में खाना खा लेंगे और फिर सो जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे खाना रेडी हो जाएगा वहाँ तो हमें आवाज़ लगा देंगे वो। तो चलो ठीक है, अब काफ़ी लेट हो जाऊँगा, अब थका भी हुआ हूँ यार काफ़ी चला हूँ। तो आज के व्लॉग को तो यहीं एंड कर देते हैं और मिलते कल सुबह मॉर्निंग के अंदर, लगभग 4:30 में उठ जाता हूँ इन दिनों, क्योंकि उठा देते हैं यार। तो चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।